नमस्कार बोकारो, सफाई अभियान के तहत चास सिंगारी जोरिया का सफाई का काम हुआ शुरू। आपको बताते चले कि लंबे समय से प्रस्तावित चास नगर निगम के सिंगारी जोरिया की सफाई के काम को लेकर अभियान शुरू कर दी गई, जिसे लेकर नगर निगम क्षेत्र के लोगों में खुशी का माहौल है। मौके पर वार्ड नंबर 27 बंसीडी स्थित चास नगर निगम के जूनियर इंजीनियर दीपक कुमार ने कहा कि सफाई अभियान का काम शुरू कर दिया गया है, जो ब्लॉक के नज़दीक वार्ड नंबर 27 के बंसीडी से होते हुए तारानगर महावीर चौक होते हुए चीरा चास तक किया जाना है, जो लगभग 6 किलोमीटर है। वहीं मौके पर मौजूद समाजसेवी मनोज सिंह ने इस काम के लिए तत्कालीन अपर नगर आयुक्त चास नगर निगम शशि प्रकाश झा को धन्यवाद दिया और कहा, 1 महीने के अंदर निविदा निकाल काम को आवंटन कर शुरू कर दी गई है। इसे लेकर यहां के लोगों में खुशी की लहर है। वहीं सिंगारी जोरिया के किनारे बसे अतिक्रमण को लेकर कहा कि पूर्व में यहां के उपायुक्त महोदय को भी इसकी अवगत कराया गया था, मगर यह समस्या कागजों पर ही सिमट कर रह गई। अतिक्रमण की वजह से सिंगारी जोरिया नाला का रूप लेती जा रही है, जिससे सिंगारी जोरिया से सटे गरीब आम लोगों के घरों में बरसात के समय पानी काफ़ी परेशान कर देती है। सिंगारी जोरिया का सफाई आज 9 अप्रैल से शुरू किया गया है। इसका शुरुआत बंसीडी चास ब्लॉक के समीप जो सिंगारी जोरिया स्टार्ट होता है वहाँ से शुरू हुआ है। यह तारानगर होते हुए महावीर चौक ये सब होते हुए चीरा चास तक किया जाएगा। टोटल कितना किलोमीटर तक ये सफाई अभियान किया जा रहा है? टोटल लगभग 6 किलोमीटर कार्य किया जाएगा। लगभग 6 किलोमीटर। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम दीपक कुमार, जूनियर इंजीनियर। अभियान चल रहा है जोरिया का। पिछले 2-3 सालों से ये मुद्दा विभिन्न विभिन्न सामाजिक संगठनों के द्वारा, वार्ड पार्षद महोदय के द्वारा ये मैटर नगर निगम के बोर्ड में भी प्रस्तावित था। फंड का कमी के चलते नगर निगम ये कार्य नहीं कर पा रही थी। विशेष तौर पर अभी वर्तमान अपर नगर आयुक्त शशि प्रकाश झा जी को धन्यवाद वार्ड के आम आवाम के तरफ से और चास के जनता और सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते उनको हम लोग देना चाहते हैं और दे रहे हैं कि तुरंत एक्शन में आकर के 1 महीने के अंदर में एस्टिमेट बना करके कार्य को आवंटन संवेदक को किया गया है। सिंगारी जोड़िया का साफ सफाई को लेकर के आज वार्ड नंबर 27 ब्लॉक के जस्ट पीछे एरिया से सिंगारी जोड़िया का सफाई का कार्य का शिलान्यास संवेदक के द्वारा किया गया है। अभी विवेक सुमन जी जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है नगर निगम के, उनके द्वारा आकर के शिलान्यास का कार्यक्रम में नारियल फोड़ा गया और सारे सामाजिक कार्यकर्ता हम लोग उपस्थित हैं। करीब 2 महीने का ये कार्य है। उम्मीद है कि बरसात के पहले सिंगारी जोड़िया की सफाई पूर्ण कर ली जाए। अरे, ये सिंगारी जोड़िया अतिक्रमित बहुत है, तो अतिक्रमण के लिए भी कुछ किया जाए? पर्याप्त है। इसके लिए सीओ साहब को और एसडीओ साहब और डीसी साहब से पूर्व में भी अपर नगर आयुक्त संदीप सर के समय और कृष्णा सर के समय भी इसको लेकर के डीसी साहब से 2-3 बैठक हुई थी। एसडीओ साहब इसमें अटेम्प्ट भी किए थे उस समय के तत्कालीन एसडीओ साहब, लेकिन ये जस का तस रखा रह जाता है। जैसे अतिक्रमण है वो आज वही वस्तु स्थिति में आज भी अतिक्रमण है। सरकार को इस ओर पैनी नज़र रखनी चाहिए। अतिक्रमण होने के चलते संकीर्ण नाला हो गया है, जिसके चलते बरसात के समय में जाम हो जाता है और जो टाउन एरिया में जो मकान है, जो घर है, गरीब गुरबा का जो घर है, वो पानी से बरसात के समय में उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है केवल अतिक्रमण के चलते। जिला प्रशासन एक्टिव होती है और फिर शांत पड़ी रहती है, फिर शांत बैठ जाती है।